Hey guys, नमस्ते का मेरा नाम है निवेदिता, आई लिव इन म्यूनिक जर्मनी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है फैमिली रीयूनियन वीजा एंड डिपेंडेंट वीजा। तो जब हम वीजा के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमारा ये कंफ्यूजन होता है कि हम किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। तो आज मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैमिली रीयूनियन वीजा एंड डिपेंडेंट वीजा। डिपेंडेंट वीजा उस केस में हम अप्लाई करेंगे जब आप और आपके स्पाउस या तो साथ में जाने वाले हैं या फिर आपके स्पाउस को जर्मनी में रहते हुए 6 महीने से कम का टाइम हुआ है। और फैमिली रीयूनियन वीजा हम उस केस में अप्लाई करेंगे जब आपके स्पाउस को जर्मनी में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। दूसरा पॉइंट आता है कि किस वीजा में कितना टाइम लगता है। तो फैमिली रीयूनियन वीजा में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके प्रोसेस लंबे होते हैं, इसके अंडर में आपका मैरिज वेरिफिकेशन भी होता है। तो फैमिली रीयूनियन वीजा ज्यादा टाइम लेता है और डिपेंडेंट वीजा कम टाइम लेता है। इसमें आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाते हैं इन केस ऑफ डिपेंडेंट वीजा, बट फैमिली रीयूनियन वीजा में बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट डेट मिलने में। तो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज गो विद द डिपेंडेंट वीजा अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेने के दो तरीके होते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑन कॉल। ऑनलाइन का मैं VFS दिल्ली का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे अगर आप दिल्ली के आसपास के रीजन के हों तो आप उसको डायरेक्टली खोल करके अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। सेकेंड इज कि आप अगर ऑन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, हाँ इट टेक्स टाइम, आपको 8 बजे से लग जाना होगा, कॉल वेटिंग में होता है बहुत लंबे टाइम के लिए, और इन केस अगर वो कॉल उठा लेते हैं तो उसके बाद में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट तैयार रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट नंबर मांगेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो ये आपसे ये पूछेंगे कि आपके जो स्पाउस हैं वो उनको जर्मनी में रहते हुए कितना टाइम हुआ है। तो जैसा आपका आंसर होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन ये आता है कि हम इंटरव्यू के लिए कहाँ जाएंगे, VFS जाएंगे या फिर एम्बेसी जाएंगे। तो इन केस ऑफ फैमिली रीयूनियन वीजा आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जाना होगा, और इन केस ऑफ डिपेंडेंट वीजा आपको इंटरव्यू के लिए VFS जाना होगा। सो फाइनली आई वुड रिकमेंड यू टू ऑलवेज गो फॉर द डिपेंडेंट वीजा बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम। मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे आई थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मुझे लग गए थे यहाँ आने में। लेकिन साथ ही में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उनका आई थिंक 2 वीक्स के अंडर में उनको वीज़ा मिल गया था। आई होप अब दोनों वीजा का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ स्टे ट्यून्ड, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली रीयूनियन वीजा।